Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th subject SS question answer day 14. So guys, देखिए lesson 4, trivials, decos and the vision of a golden age. Question number 1st, what problems did shifting cultivators face under the British rule? What problems, कौन कौन सी समस्याएं did shifting cultivators, जो कल्टीवेटर्स को फेस करनी पड़ी अंडर द ब्रिटिश रूल में, कौन कौन सी समस्याएं थी? द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर, वे जो समस्याएं जो कल्टीवेटर्स ने फेस की थी वो निम्न थी, स्केयरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी थी, ड्राई सॉइल, मिट्टी का सूखापन होना, पुअर याइल्ड, बहुत ही कमजोर उपज होना, लैक ऑफ रिसोर्सेज और हमारे संसाधनों की कमी होना, एंड लो प्रोड्यूस और कम उत्पाद होना। दूसरा रहा है ड्यू टू चेंजेज, परिवर्तनों की वजह से इन फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज में परिवर्तनों की वजह से देवर नॉट अलाउड, उन्हें इजाजत नहीं थी टू एंट्री करने के लिए इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट, उस रिजर्व फॉरेस्ट में उन्हें एंट्री करने की इजाजत नहीं थी, सो दे हैड टू मूव टू अदर एरियाज, इसलिए उन्हें अन्य एरियाज में जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द पावर ऑफ ट्रिवियल चीफ चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल, हाउ डिड द पावर ऑफ ट्रिवियल, जो ट्रिवियल लोगों की जो शक्ति थी चीफ मुखियाओं की, चेंज कैसे परिवर्तित हुई अंडर द कॉलोनियल रूल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट, दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को वापस ले लिया था, दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को वापस ले लिया था, दे वर फोर्स्ड, उन्हें बाध्य किया गया था टू फॉलो द ब्रिटिश रूल लॉस, के वो ब्रिटिश लॉस का पालन करें, नाउ दे वर अनेबल, अब वे असमर्थ थे टू फुलफिल, पूरा करने में देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस, अपने परंपरागत कार्यों को करने में वो असमर्थ थे, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, उन्हें इजाजत थी कि वो अपने जो लैंड टाइटल्स हैं एक गांव के एक विशेष झुंड पे रखें, एंड रेंट आउट लैंड्स, और अपनी जमीनों को किराए पर चला दें, दे दें। व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ ट्रिवियल्स अगेंस्ट द डिकोस, जो सूदखोरों के खिलाफ जो गुस्सा था वो कैसे हुआ, दीज आर एज फॉलोज, ये निम्न है, द ट्रिवियल पीपल रिगार्डेड द मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स एज ईविल आउटसाइडर्स, जो ट्रिवियल थे, जो आपके वहाँ के ट्रिवियल लोग थे, मतलब जनजाति के लोग थे, रिगार्डेड द मनी लैंडर्स, वो मनी लैंडर्स को मानते थे एंड ट्रेडर्स को मानते थे, एज ईविल के रूप में मानते थे, बुराई के रूप में मानते थे आउटसाइडर को, एंड द कोज ऑफ देयर मिजरी, और उनकी ये दुख का प्रमुख कारण था, मनी लैंडर्स गैव लोन्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो मनी लैंडर्स थे वो लोन देते थे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देते थे, द गुड्स एंड थिंग्स सोल्ड बाय द ट्रेडर्स वर वेरी हाईली प्राइस्ड, और जो चीज़ें देते थे, जो थिंग्स देते थे, जो बेचे जाते थे ट्रेडर्स के द्वारा, वे बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस, यानी बहुत ज़्यादा कीमती होते थे, महंगे होते थे, ट्रिवियल पीपल ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल टू बी एबल टू गेट गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो ट्रिवियल लोग थे, जनजाति लोग थे, प्राय उन्हें आवश्यकता पड़ती थी खरीदने की और बेचने की उन चीज़ों को, ताकि वो समर्थ हो सकें वो चीज़ें खरीदने में जो उनके आसपास नहीं उगती हैं, हैंस दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स ऑन मनी लैंडर्स, इस प्रकार वे निर्भर हो गए थे आपके व्यापारियों और मनी लैंडर्स के ऊपर। तो गाइज एक बार पुनः देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा,
द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वो निम्न थी, स्कियर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होना, ड्राई सॉइल, मिट्टी का सूखा होना, पुअर यील्ड, कम उपज होना, लैक ऑफ रिसोर्सेज और संसाधनों की कमी होना, एंड लो प्रोड्यूस और कम उत्पाद होना। ड्यू टू चेंज इन फॉरेस्ट लॉज, चूंकि फॉरेस्ट के जंगलों के नियमों में परिवर्तन हो गया था, देवर नॉट अलाउड टू एंट्री इन रिजल्ट फॉरेस्ट, उन्हें रिजल्ट फॉरेस्ट में एंट्री करने का इजाजत नहीं थी, सो दे हैड टू मूव टू अदर एरियाज, इन्हें उन्हें अन्य एरियाज में मूव करना पड़ा। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्रिवियल चीफ चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल, किस प्रकार जो ट्रिवियल चीफ की जो पावर है वो कैसे तब्दील हो गई थी कॉलोनियल रूल में। दे वर डाइवेस्टेड, उन्होंने वापस ले लिया था ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। दे वर फोर्स्ड, वे बड़े बाध्य टू फॉलो द ब्रिटिश लॉज, ब्रिटिश लॉज को पालन कराने में बड़े बाध्य थे। नाउ दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, अब वे अपने ट्रेडिशनल जो फंक्शन थे उनको पूरा कराने में पूरी तरह असमर्थ थे। दे वर अलाउड, उन्हें इजाजत दी गई टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस पर रखें, एंड रेंट आउट द लैंड्स, और अपनी जमीन को किराए पर दे दें। वाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्रिवियल अगेंस्ट द डिस्कूस, डिक्कूस, डिक्कूस यानी सूदखोर, मतलब वहाँ के जो जनजातीय लोगों का गुस्सा उनके सूदखोरों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ क्यों था। These are as follows, ये निम्न कारण हैं। The trivial people regarded the money lenders or traders को as evil, बुराई के रूप में मानते थे, outsider के रूप में, and the cause of their misery, और उनके दुख का प्रमुख कारण मानते थे। Money lenders gave loans on very high interest rates, money lenders ने loans दिए थे बहुत ही ऊंची दर पे। The goods and things sold by the traders were very highly priced, और जो चीज़ें दी गई थी, जो चीज वस्तुएं दी गई थी, जो व्यापारियों के द्वारा बेची गई थी, वह बहुत ज़्यादा कीमती थी। ट्रिवियल पीपल ऑफन नीडेड, उन्हें आवश्यकता होती थी टू बाई एंड सेल, खरीदने और बेचने की, टू बी एवल, ताकि वे समर्थ हो सकें टू गेट गुड्स, चीज़ों को प्राप्त कर सकें। दैट वर नॉट प्रोड्यूस विथ इन द लोकेलिटी, जो मोहल्ले में पैदा नहीं होती है। हैंस दे बिकम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, इस प्रकार वे निर्भर हो गए थे उन व्यापारियों और सूदखोरों के ऊपर। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।